अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। विचारधारा की राजनीति या फिर राजनीति की विचारधारा, यह एक बड़ा सवाल है और यही विचारधारा की रणनीति सत्ता के केंद्र में होते हुए भी इन दिनों हाशिए पर आ पहुंची है। वह भी तब जब बात साम दाम दंड भेद की राजनीति पर आकर टिक जाए, तो फिर विचारधारा की राजनीति जैसे गंभीर मुद्दे गौण हो जाते हैं। ऐसे में लंबे समय तक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद व लोहिया जैसी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले वरिष्ठ नेता गोपाल अग्रवाल से फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा की। आज उन्हीं पर चर्चा करते हैं, देखिए। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई हमेशा से होती रही है। उसने देश पर शासन किया है, एक लंबा अरसा रहा है और बहुत सारे उस विचारधारा से जुड़े लोग रहे हैं जिन्होंने इस देश को एक नई विचारधारा दी है। विचारधारा पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है वो एक विचारधारा की राजनीति से जुड़े रहे, एक लंबे समय तक उन राजनीतिक दल में कार्य करते रहे और अब वो एक दूसरी पारी खेलने चले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि राजनीति किस तरह से इस देश की दिशा और दशा तय करती है और हमेशा से दशा और दिशा बदलती चली आ रही है। गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। गोपाल जी, इसमें जो अंतर आ रहा है वो ऐसा नहीं कि नेताओं का चरित्र बिगड़ा है या नेता उदासीन हुए हैं, दरअसल जनता नेताओं की तरफ से उदासीन हुई और जब जनता उदासीन हो जाती है तो राजनीतिक मुद्दों को जनता भूल जाती है और या सीधी भाषा में कहें तो जनता अपने राजनीतिक अधिकारों को भूल रही है और नेता अपने राजनीतिक कर्तव्यों को भूल रहे हैं और जब ये दोनों चीज़ बन जाती हैं तो एक ऐसा प्रदर्श देश के अंदर बन जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि गति शायद धीमी हो गई है या रुक गई है। उस गति को अपनी एक तेज धार देना या कहना चाहिए कि जो हवा में खुशबू होनी चाहिए थी राजनीति की, वो खुशबू देने के लिए हमें शायद फिर 40-45 साल पहले जाना चाहिए जहाँ से राजनीति विचारधारा के लिए लड़ी जाती थी, करीब की जाती थी और जहाँ 14-15-16 साल के युवकों को राजनीति के मर्म को बताया जाता था। और उससे पहले हम जाएं तो आज़ादी की लड़ाई के समय भी युवा नौजवानों से, स्कूल के विद्यार्थियों से, कॉलेज के लोगों से, प्रोफेसरों से आह्वान किया गया था कि वे इस संघर्ष में उतरें क्योंकि देश आज़ाद जब होगा तो वो राजनीति जो जिसे परिपक्व राजनीति कहते हैं वही देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। तो इसलिए अब प्रयास मैंने सोचा है कि वहीं जाके प्रयास किया जाए और इसीलिए के लिए एक बहुत छोटी पुस्तक क्या एक तरीके से एक एजेंडा है कि हम जनता को उस राजनीतिक एजेंडे पर कैसे लाएं, उसी के लिए एक किताब मैंने लिखी थी यथार्थ का घोषणा पत्र। इस यथार्थ का घोषणा पत्र इसमें क्या आशय है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही फिर दोहरा के बताना चाहूंगा कि घोषणा पत्र राजनीतिक दल का एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए जरूरी दस्तावेज होता है, पर अगर पिछले चुनावों में जनता से पूछे तो किसी को याद नहीं कि किसने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा। चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी तो होता है पर उसे कोई पढ़ता नहीं है और चुनाव के घोषणा पत्र को चुनाव समाप्त होने के बाद में कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं किसी दल पर आरोप नहीं लगा रहा, सभी दल कहते हैं नहीं हम गंभीरता से लेते हैं, बिल्कुल लेते होंगे, ऐसा नहीं है, परंतु जो बातें इस यथार्थ के घोषणा पत्र में मिलेगी वो एक उच्च जमीनी स्तर की बातें हैं कि जिसमें दोनों के प्रतिनिधि के कर्तव्य और जनता के अधिकार दोनों का समन्वय इसके अंदर मिलेगा और अगर इसे पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि वाकई में अगर चुनाव होता है तो वो क्या अपेक्षा करते हैं जनप्रतिनिधि से और जीतने के बाद जनप्रतिनिधि को वो कार्य कैसे कराने होंगे। दोनों ही चीज़ें दी हैं, ऐसा नहीं समस्या का ये केवल समस्या उठा के रख दी गई है, उस समस्या का सही ढंग से समाधान भी इस पुस्तक के अंदर प्रश्नोत्तरी के रूप में दिया गया है। इस समय जो आपने घोषणा पत्र की बात की है तो बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र इस तरह से ही जारी करते हैं, उसमें बढ़ा चढ़
चढ़ा करके वादे किए जाते हैं और ऐसी घोषणा की जाती है जो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाती कि उनको धरातल पर उतारा जा सके। उन घोषणा पत्र से आपका ये यथार्थ का घोषणा पत्र किस तरह से भिन्न होगा? हम वास्तविकता में देखें तो मेरी भिन्नता तो वही आ रही है क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा पर घोषणा पत्र जारी कर रहा हूँ, यानी कि परीक्षा नहीं हो रही है पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने है जिस मॉडल क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के बाद वे अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये उसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी है कि चुनाव होता है और मैंने धरातल से उठाया। धरातल से उठाने का कारण यह है कि अगर हम आज़ादी के फिर वही संघर्ष को देखें तो आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में जो परिकल्पना चाहे गांधी की लाइन हो या भगत सिंह की लाइन हो, परिकल्पना यही की गई थी कि हम अपने गांव और निचले स्तर पर जनता का जो हमारा मोहल्ला होता है उस स्तर पर जाके जनता की तस्वीर को तकदीर को कैसे बदलेंगे। तो मैंने वहीं से शुरुआत की है कि हमारा जो चुनाव होगा तो मान लीजिए एक व्यक्ति इसमें कल्पना के रूप से छोड़िए कि एक सभासद का चुनाव लड़ रहा है तो वो किस प्रकार के घोषणा पत्र में क्या लिखेगा और जनता पूछना चाहती है उससे कि तुम कैसे समाधान दोगे। अगर आज भी हम देखें नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं तो जो घोषणा पत्र जारी भी किए गए थे या नेताओं ने जो भाषणों में घोषणा की थी उसको किस स्तर तक समाधान कर पा रहे हैं या करने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, इसके अंदर वो रास्ते को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर घरों में पानी भरने की समस्या है, हमारे मार्ग के खराब होने की समस्या है और आज बहुत बड़ी विकराल समस्या बनके जो उभर रही है जिसका कि चर्चा बहुत होती है पर समाधान नहीं है, बंदर और कुत्ते का आतंक है, तो इन सब बातों के लिए किस तरीके से उसका समाधान बड़े आसानी से ऐसा राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ हाँ समस्या का समाधान है इसीलिए उसको राजनीति कहते हैं। राजनीति को लोग गंदे शब्दों में लेने लगे हैं परंतु मैं चाहूँगा और व्यक्तिगत जब भी चर्चा होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि 13 साल के बच्चे को राजनीति पढ़ाना शुरू कर दें, सो हम प्रारंभिक तौर पर भाषा पढ़ाएं उसके बाद राजनीति पढ़ाना शुरू कर दें तो उसको जीने का अर्थ मालूम पड़ेगा क्यों वो आया है और क्या क्या उसके अधिकार है और किस प्रकार जिएगा, क्या सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, ये सब बातें ही राजनीति की डिफाइन करती हैं। आपकी नज़र में राजनीति क्या है? मेरी नज़र में राजनीति हर दिन चल रहा है। किस तरह? सुबह उठने से लेकर शाम तक हम जो भी कुछ करते हैं वो राजनीति के तहत ही होता है। अगर राजनीति बदलती है तो हमारी दिनचर्या बदलती है, हमें किस प्रकार हमारी कृषि होनी चाहिए, किस प्रकार व्यापार होना चाहिए, किस प्रकार हम लोगों की पढ़ाई होनी चाहिए, किस प्रकार हम लोगों का इलाज होना चाहिए, ये सब राजनीति तो तय करती है। लोग कहते हैं राजनीति तय नहीं करती, कौन कौन करता है? ये सरकार ही तो नियम बनाएगी। सरकार नियम कैसे बनाएगी? जहाँ जनता को सुविधाएं मिलेगी, जो जनता की मांग होगी, जो जनता देखना चाहेगी, तो पूरी राजनीति उसी तरीके से घूमती है। और राजनीति के बारे में अगर कोई पुस्तक ग्रंथ या सबसे पवित्र ग्रंथ, मैं तुलनात्मक रूप से नहीं कह रहा, ग्रंथ सभी धर्मों के अच्छे हैं, पर यदि गीता को पढ़ा जाए तो उसके अंदर हर चीज का दिनचर्या का भी है और सामाजिक क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए सब बातों का उसके अंदर समावेश है। और गीता में और धर्मों में भी जो अपनी अपनी मुख्य ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसमें इन्हीं बातों की चर्चा है। तो जीवन ही हमारा राजनीति। राजनीति को धर्म से आप किस तरह से जोड़ते हैं? ये दोनों को मिला के चले, अलग अलग चले, दो धाराएं हैं जिनको हम मिला के चले और एक दूसरे को अतिक्रमण ना करने दें। धर्म का उपयोग राजनीति में ना हो और राजनीति का उपयोग धर्म में ना हो, और इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन कवि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कही थी कि राजनीति दीर्घकालीन धर्म है और धर्म अल्पकालीन राजनीति है। तो उसको दोनों को अलग अलग लेके चले। धर्म हमें एक नैतिक कर्तव्य के रूप में लेता है, राजनीतिक हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों को डिफाइन करती है। मौजूदा देश की राजनीति तो केवल धर्म पर ही आधारित है ऐसा बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। एक ट्रेंड चला है, उस ट्रेंड की वजह से ऐसा लग रहा है, पर राजनीति तो राजनीति रहेगी। राजनीति किसी आंधी में उखड़ने वाली चीज नहीं है। देखिए हमारा सिद्धांत तो विचार जो है वो कभी भी तूफान आंधियों से प्रभावित नहीं होते, और उनको अगर तूफान आंधी के जरिए या बवंडर के जरिए उनको उठाया जाएगा तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अंततः में जब शांति होती है तो राजनीति ही हमारी अच्छी बेहतर दिनचर्या प्रदान करती है। इसमें यथार्थ का घोषणा पत्र जो मैं देख रहा हूँ उसमें जो अधिकांश बातें हैं वो नगर निगम की समस्याओं से जुड़ी हुई है, तो
उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? जैसे गंदगी का बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव एक बड़ी समस्या है, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख भी किया कि बंदर के और आवारा पशुओं की भी एक बहुत बड़ी समस्या नगर निगम के सामने है। बंदरों को लेकर के वन विभाग और नगर निगम एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं, तो इसका क्या समाधान हो सकता है आपके लिए इस नजर आपकी नजर में? नगर निगम को इसलिए लिया गया है कि धरातल हम वहीं से शुरू करते हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हम जैसे बेस होता है पढ़ाई का, जिसे कक्षा एक से कहें, नर्सरी से कहें, तो वहीं से शिक्षा आरंभ होती है। और राजनीति की बात कहें तो हमारी राजनीति हमारे घर और हमारे मोहल्ले से चलती है। अब जल भराव है, जल भराव के लिए बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, सीवर लाइन ठीक करनी है, और दूसरा अगर आप देखें तो भूमि का जल स्तर हमें नीचे जा रहा है। अब भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है तो सीधा सा दिमाग में बात आती है कि इसको उठाने के लिए हम क्या करें। बरसात के पानी से भूमि का जल स्तर उठेगा, बरसात का पानी आप बहा के ले जा रहे हैं बाहर शहर के। तो मेरा सीधा सा सुझाव इसमें दिया हुआ है कि क्यों ना हम शहर के अंदर 5-6 ऐसे पॉइंट बना दिए जाए जहां हम बड़े बड़े फिल्टर लगा दें, जो हमारे पुराने फिल्टर हुआ करते थे बालू ईंट कंकड़ी और सब वाले, और पानी को नीचे उतार दिया जाए तो पूरे शहर का जल स्तर ठीक हो जाएगा। पूरा पानी जल भरा हो के घर के अंदर क्यों जा रहा है? हम उसके अंदर आराम से उतार सकते, जमीन के अंदर उतार सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ पर ये टैंक बनाए जा सकते हैं पानी को नीचे उतारने के लिए। कूड़ा है, मेरठ में ही 3-4 जगह चिन्हित ऐसी हो जाएंगी जहाँ कूड़े को इकट्ठे करके आप मीथेन बना सकते हैं। उस मीथेन से बहुत ज़्यादा नहीं तो आसपास के 3-4 मोहल्लों में आराम से बिजली सप्लाई हो सकती है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हमने समावेश किया हुआ। और घोषणा पत्र इसलिए है कि जब मोहल्ले का सभासद लड़े तो उनसे इस बातों की अपेक्षा की जाए, वो घोषणा करे या जनता उससे अपेक्षा करे कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो वो कहेगा कि नहीं मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ऐसे ही कहूंगा। और वो पूरा प्रकरण मैंने एक काल्पनिक पात्र के जरिए मैंने कहा है कि अगर मैं मेयर बनता हूं तो मैं क्या क्या काम किस प्रायोरिटी के साथ और क्या क्या काम करूंगा। और मैंने एक चीज और भी लिखी है कि इसमें लोगों ने मुझे पूछा गया कि प्रायोरिटी क्या है, तो मैंने कहा प्रायोरिटी कामों की गिनती है। प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि ये काम पहला हुआ, सारे काम एक साथ चलेंगे क्योंकि जीवन के जितने भी आवश्यकताएं आधारभूत तत्व है सभी एक साथ चलने चाहिए, तभी शरीर चलेगा। तो वो सब क्या क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु जरूरत क्या क्या है उनको हमने लिख दिया है। गोपाल जी, यथार्थ का घोषणा पत्र पब्लिक के हाथों में अब आज के बाद उपलब्ध हो जाएगा और मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। आप अपने हमारे पाठकों से क्या संदेश देना चाहेंगे मौजूदा राजनीति और यथार्थ का घोषणा पत्र को लेकर? राजनीति से नफरत करना छोड़ दें और राजनीति हमारे जीवन का आवश्यक तत्व है, उसको पढ़ें समझें। और जो घृणा की नफरत की हिंसा की राजनीति कहीं कहीं होती दिखाई दे रही है उससे अपने आप को अलग करें। धन्यवाद धन्यवाद रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।